नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ार में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रोथ से संबंधित, फ्यूचर रिटेल की और फ्यूचर कंज्यूमर की। यहाँ पर दोनों में आपसी विवाद फिलहाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फ्यूचर रिटेल कह रहा है कि मेरा पैसा इनके पास है, फ्यूचर कंज्यूमर कह रहा नहीं मेरा पैसा इनके पास है। तो यहाँ पर जो IRP है, यानी कि RP है, वो कहाँ पहुँच गई है, NCLT पहुँच गई है। किसके लिए? फ्यूचर कंज्यूमर के लिए, कि भैया फ्यूचर कंज्यूमर हमारा पैसा दे कितना, 839 करोड़ रुपए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा सब कुछ देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, केवल काम की चीज़ें देखेंगे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल लगाइए, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा SHAR स्मॉल में BAZ कैपिटल में। कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ गाइस इसमें, ना कोई इसमें फालतू की चीज़ें डालता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह अपने डालता रहता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिए लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे हैं, द प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है फ्यूचर रिटेल के, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है कहाँ पर, NCLT मुंबई में ट्रिब्यूनल में, आस्किंग फॉर अमाउंट 839 करोड़ पेड टू बी ग्रुप कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर टू बी रिटर्न। बिल्कुल यहाँ पर जो पैसा दिया गया इनको, ये वापस करने के लिए कह रहे हैं कि भैया इसको वापस किया जाए। और अभी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने रिसेंटली फ्यूचर कंज्यूमर पर वीडियो बनाया जहाँ पर इन्होंने 100 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट किया हुआ है। तो भैया जो वहाँ पर वो 100 करोड़ रुपये नहीं दे पा रहे तो यहाँ पर 839 करोड़ का देंगे, समझ रहे हैं आप बात को। अकॉर्डिंगली टू द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल बाई RP, है ना, मुंबई बेंच में इन्होंने फाइल किया तो हमने बता ही दिया, पेमेंट मेड बाई फ्यूचर रिटेल टू फ्यूचर कंज्यूमर, समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि फ्यूचर रिटेल के द्वारा फ्यूचर कंज्यूमर को पेमेंट की गई थी कब, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, शुड बी ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल इन नेचर। बिल्कुल यहाँ पर इसको मतलब बहुत ज़रूरी समझा जाए और जल्दी से जल्दी ये मांग रहे हैं, एंड हैज सॉट डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू रिफंड द पेमेंट ऑफ फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट का डायरेक्शन इन्होंने सॉट किया है और बोला है कि भैया गाइड करिए कि क्या करें कैसे करें, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर भाई साहब फ्यूचर कंज्यूमर का क्या कहना है, उन्होंने तो फिलहाल लीगल एडवाइस यहाँ पर सीख करी है ना, और उन्होंने कहा है कि ये देखिए द कंपनी इज क्लेमिंग, ये फ्यूचर कंज्यूमर कह रहा है हमारा 412 करोड़ रुपये आपके पास है, हमें आपसे लेना है, विच इट हैज साइटेड एज वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट कस्टमर। बिल्कुल यहाँ पर फ्यूचर कंज्यूमर ने कहा था कि भैया ये हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है और यहाँ इनसे 412 करोड़ रुपये फ्यूचर कंज्यूमर को इनसे लेना है। और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भाई जो और बची हुई फ्यूचर ग्रुप की बची हुई कंपनी उनका भी क्लेम है फ्यूचर रिटेल के ऊपर कई सारे लेना, तो टोटल मिला के वो मान के चलिए 2172 करोड़ रुपये का क्लेम है। यहाँ पर फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये भैया पिछले 4 साल से लगातार, लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल से लगातार लॉस कर रही है और कई सारी चीज़ें डिफॉल्ट भी कर रही है, लेकिन है नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। बिल्कुल लेकिन अभी तक यहाँ पर फिलहाल बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं करी गई है। लेस देन 2 वीक्स बैक इट्स लीड बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, यहाँ पर जो लीड बैंकर है इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने फोरेंसिक ऑडिट यहाँ पर शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो इनके CA साहब होंगे और GD आप्टे साहब होंगे कंडक्ट द ऑडिट, यहाँ पर ऑडिट किया जाएगा और ये फॉर द स्पेशल टाइमिंग, वही जो कुछ थर्ड पार्टी रिलेशन वो थे ना पेमेंट हुई थी जो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको पता है कि फोरेंसिक ऑडिट चल रहा है। तो फ्यूचर रिटेल से जो मतलब घपलेबाजी का कुछ जो शक था या जो भी कुछ सारी चीज़ें हैं उसके अवध में यहाँ पर आपको पता है और मैं लगातार इस पर कवरेज भी कर रहा हूँ, वीडियो बना भी रहा हूँ लगातार, आपको जानते हैं ये। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें फिलहाल कोई इतनी काम की नहीं है जो आपके साथ डिस्कस की जाए, तो जो भी फिलहाल था मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया है, बता दिया है। तो और अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर फ्यूचर रिटेल में तो जैसा कि मैंने बताया था आपको देखने को मिल गया है लोअर सर्किट, समझ रहे हैं आप, यानी कि IRP की स्टेज 1 में तो है ही है वो और आपको लोअर सर्किट देखने को मिल गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिलहाल एक ही बिडर आया था, वो भी मात्र 550 करोड़ रुपये की बिड लेके, तो 21,000 करोड़ के बदले, क्लेम के बदले 550 करोड़ रुपये या 500 जो भी करोड़ है, तो मुझे नहीं लगता कोई लेंडर उस पर मानने वाला है। तो वो भी जो उस पर अपडेट होगी गई मैं लेके आऊँगा ही। बाकी फ्यूचर कंज्यूमर पर भी मैं लगातार अपडेट लेके आ रहा हूँ, फ्यूचर कंज्यूमर पर ये फिलहाल मामला है। तो यहाँ पर दोनों अपना अपना पैसा, फ्यूचर रिटेल कह रहा है कि भैया हमारा पैसा है और फ्यूचर कंज्यूमर जो कह रहा है वो कह रहा है हमें पैसा लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर मामला कोर्ट पहुँच चुका है NCLT में, अब देखिए NCLT मुंबई बेंच क्या सुनवाई करती है, क्योंकि बात बात पर गए ये लोग NCLT पहुँच जाते हैं, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई होंगी, मुझे पक्का यकीन है NCLT में कि भाई तब जज साहब बेचारे खुद परेशान हो गए होंगे कि क्या है ये मैटर, कौन था उड़ता जो रायता है ये ले लिया है। चलिए गए खैर, अब यहाँ पर तो गए जो रिटेलर से बेचारे वो फंसे हुए हैं उसमें, अब क्या किया जा सकता है। और फ्यूचर कंज्यूमर में भी गाइस लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है, को ऑपरेटर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे बच के रहिए। फ्यूचर ग्रुप की किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, एज पर माई पर्सनल व्यू, मेरी जो सलाह है आपसे। बाकी आपको पता मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनलिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।